चोरी और वो भी हम? ये लोग गंदों की बोरियां क्यों खोल रहे हैं? रुक जाओ। बिन्यामीन जैसे मासूम चेहरे वाले शख्स के सामान से मसरूक का माल बरामद नहीं हो सकता। नहीं नहीं, तसल्ली कर लें आप। तलाशी लो।
पर बिन्यामीन, ये क्या किया तुमने? शर्म नहीं आई तुम्हें? बिन्यामीन, क्या ये सच है तुमने ऐसा किया है? ये है अजीज मिस्र की मोहब्बतों का सिला। उनकी मोहब्बतों में कोई कसर रह गई थी? क्यों, आखिर क्यों तुमने उनके सामने हमें शर्मिंदा किया? तुमने हमें अहले मिस्र के सामने जलील और रुस्वा कर दिया। उस शख्स के सामान से बरामद हुआ है। नतीजा मोहब्बत यह है? हम अजीज मिस्र के सामने शर्मिंदा हैं। अगर बिन्यामीन ने चोरी की है तो इसमें ताज्जुब नहीं, क्योंकि इसका भाई भी चोर था। उसने हमारे दादा इसहाक का कमरबंद हमारी फूफी के यहां से चुराया था। आप लोग बहुत बुरे इंसान हैं। आप लोग अपने भाई की निस्बत जो कुछ भी कह रहे हैं वो तो सिर्फ खुदा ही बेहतर जानता है। ले जाओ इसे। अब हम बिन्यामीन के बगैर बाबा के पास किस मुंह से जाएंगे? अब क्या होगा? ये सब क्या हो गया? वैसे क्या वाकई बिन्यामीन ने चोरी की थी जो वो उसे ले गए? आप सब ने तो उसकी और उसके भाई यूसुफ की चोरी की तायद कर दी ना, या नहीं की? यही वो साजिश थी कि जिसका बाबा को खदशा था। हमने खुदा को हाजिर नाजिर जानकर बाबा से अहद किया था, खुदा को गवाह बनाया था कि हम हर कीमत पर बिन्यामीन को वापस लेकर आएंगे। अब हम किस मुंह से वापस जाएंगे? बाबा को क्या मुंह दिखाएंगे? क्या बाबा हमारे यकीन कर लेंगे कि बिन्यामीन ने चोरी किया? ये सब ही गवाह है, हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना? हम सब ही अच्छी तरह ये जानते हैं कि इसहाक नबी का कमरबंद हुप्पी फायका ने खुद यूसुफ की कमर बांधा था। कौन जाने कि अजीज मिस्र का तलाई जाम भी किसी और ने बिन्यामीन के माल में न रख दिया हो। हमें क्या मालूम हकीकत क्या है? हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि तलाई जाम बिन्यामीन से बरामद हुआ है। क्या तुम बिन्यामीन को नहीं जानते? या यूसुफ के कमरबंद वाले वाकये से बेखबर हो जो उसे चोर करार दे दिया? ये शर्म की बात नहीं है कि चंद पैगंबर ज़ादे अपने भाई का कत्ल करते हैं और फिर मरे पे सौ दुर्रे के अपने उसी मुर्दा भाई पर चोरी की तोहमत लगाते हैं और तौबा के लिए भी तैयार नहीं? वाकयन डूब मरने का मकाम। बजाय लड़ने के बिन्यामीन को निजात दिलाने के लिए कुछ करो। हमें अजीज मिस्र के पास जाना होगा और जैसे भी बन पड़े बिन्यामीन को साथ ही लेकर आएंगे। मैं बिन्यामीन को लिए बिना किनान वापस नहीं जाऊंगा। अब हम क्या करें? कुछ तो पता चले कि हम रुके या चले जाएं। थोड़ा इंतजार कर ले, शायद वो बिन्यामीन को आजाद कर दे। किस मुसीबत में फंस गए फौजदार इसराइल के आदो? हम जोहर तक उनका इंतजार करेंगे, अगर वो नहीं आए तो हम लौट चलेंगे। मुझे अफसोस है,
अजीज मिस्र आप लोगों से मिलने को तैयार नहीं। भला ये कैसे हो सकता है कि बिन्यामीन को उसके हाल पर छोड़कर खुद चलते बने? कुछ तो कीजिए, आपको खुदा का वास्ता, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो उसे दरिद मत कीजिए। अफसोस मैं सिलसिले में कुछ नहीं कर सकता। क्या हुआ जनाब मालिक? क्या वो बिन्यामीन को आजाद कर रहे हैं? आपको खुदा का वास्ता कुछ कीजिए। आया अजीज मिस्र, हमें मुलाकात की इजाजत नहीं है। बिन्यामीन के बगैर बाबा के पास जाने का हौसला नहीं है। ये मुमकिन नहीं, मुमकिन ही नहीं कि हम अजीज मिस्र से मुलाकात किए बिना वापस लौट जाएं। क्या तो वो हमें मुलाकात की इजाजत दे या फिर हम सबको ही गिरफ्तार कर लें। मैं कोई वादा नहीं करता लेकिन अपनी सी पूरी कोशिश करूंगा। जो काम आपके भाई ने किया है उसके बाद कोई कैसे आपकी सिफारिश करना पसंद करे? हम अजीज मिस्र को इससे कहीं बढ़कर समझते हैं कि वो हमें नाउम्मीद करें। उम्मीद करता हूँ कि अजीज मिस्र ऐसा ना करें। देखना पड़ेगा, जनाब युजार सीफ नहायत ही गुस्से में थे। ऐसा करें, आप लोग यहीं रुकें, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। हम अभी आते हैं। अपना असलाह तहवील में दे दें और जाएं। ठहर जाएं। आप लोग यही इंतजार करें, हम उन्हें मुत्तला करते हैं। आ गए वो लोग? हमने उन्हें कहा है कि देखो कोशिश करते हैं, उम्मीद है वो आपको मिलने की इजाजत दे देंगे। वो सब लोग इस वक्त दरवाजे के पीछे खड़े, इजाजत हो तो अंदर ले आऊं। उन्हें हमारे इस खेल की भिनक तो नहीं पड़ी ना? नहीं, बदायर तो उन्हें इस तमाम वाकये पर यकीन आ गया है। बिन्यामीन को यहां से ले जाएं। चंद सिपाहियों को भी चौकन्ना रखें, मुमकिन है कि वो नाउमीद होकर कुछ गलत काम कर बैठें। नीमी साबू, उन्हें भेज दो। किनानियों के कानून और सुन्नत के रूह से चोर को 4 साल के लिए गुलामी में ले लिया जाता है। यह आपने खुद ही कहा था ना, मैं ठीक कह रहा हूं? अजीज मिस्र को खादिमों और गुलामों की क्या कमी? मेहरबानी फरमाकर इनायत करें और बिन्यामीन को हमें लौटा दें। खताकार को अगर सजा न दी जाए तो वो अपनी उस गलती को दोबारा दोहराता है। ऐ अजीज मिस्र, बिन्यामीन के बाबा इतने ज़ईफ हो चुके हैं कि अब वो इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। खुदारा उस मुसीबत ज़दा बाप पर रहम कीजिए
क्या मेरी मोहब्बतों का यह सिला जायज था? आपके भाई को सजा मिलनी ही चाहिए। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं कि हुक्म दूं कि उसे किसी किस्म की कोई जिस्मानी इजा न दी जाए। आप हम में से किसी को कैद कर लें, बल्कि चाहे तो मुझे ही कैद कर लें, मगर खुदा रहा उसे बाबा के पास जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप जैसी अजीम हस्ती हमारे हाल पर जरूर रहम फरमाएगी। आप पैगंबर ज़ादे जनाब इज़ारसीब से क्या तवक्कु रखते हैं? आपको गुलाम चाहिए ना, अब वो बिन्यामीन हो या कोई और, क्या फर्क पड़ता है? मुझे गुलामों की क्या कमी, मैं खुदा की पनाह मांगता हूँ। मेरा माल तो बिन्यामीन के पास से बरामद हुआ है और अब मैं उसकी जगह किसी और को सजा दूं? ऐसी सूरत में तो मेरा शुमार जालिमीन में होगा। खताकार को इजहार नदामत और पशेमानी करना होगा ताकि उसकी तथहीर हो सके, वगरना तंबीह और सजा के जरिए उसे ताहिर करना होगा। आपके भाई ने अभी तक इजहार पशेमानी नहीं किया है, बस उसे सजा मिलनी ही चाहिए। ये तो कोई मसला ही नहीं, वो तौबा कर लेगा। आया वाकई ये कोई मसला नहीं है? तौबा करना क्या वाकई इतना आसान है? लेकिन मैं एक ऐसे गिरोह को भी जानता हूं जो खताकार है लेकिन उसने अब तक तौबा नहीं की है। इस मामले को मजीद मत बिगाड़ो। अगर कोई भी हरकत की तो यहां से जिंदा बचकर नहीं जा पाएंगे। जितनी जल्दी हो सके यहां से चले जाए, चले जाए। हमने बाबा से वादा किया था और खुदा को गवाह बनाकर हैद किया था कि बिन्यामीन को वापस अपने साथ लाएंगे। अब तो ये कैसे हो सकता है कि हम बिन्यामीन के बगैर वापस चले जाएं? बिलखुसूस ऐसे में कि जब बाबा पहले यूसुफ का जख्म सह चुके हैं। आखिर वो किस तरह यकीन करेंगे कि बिन्यामीन ने चोरी की है और ये कि अजीज मिस्र ने उसे अपना गुलाम बना लिया है? उस वक्त हम बहुत छोटे थे और बाबा पर जो सितम ढाया था उसे नहीं समझ पाए थे, लेकिन अब जब हमने बिन्यामीन को खोया है और खाली हाथ बाबा के पास जा रहे, तब मुझे समझ में आया कि जिस गुनाह के हम मुर्तकिब हुए हैं वो कितना अजीम गुनाह था। क्या हुआ लाबी, बिन्यामीन को आजाद नहीं किया? तुम लोग तो कह रहे थे कि अजीज मिस्र बड़ा ही मेहरबान और रहम दिल इंसान है, तो फिर अब क्या हुआ? नहीं मालूम, नहीं मालूम, सब कुछ अचानक ही बदल गया। अब वो पहले जैसे युजार सीफ ही नहीं रहे। अब हम क्या करें? कुछ तो पता चले कि हम रुकैया चले जाएं, क्या करें? मैं आप लोगों के साथ नहीं जा रहा, यानी मैं जा ही नहीं सकता। अब जब तक बाबा इजाजत नहीं देंगे मैं किरान वापस नहीं लौटूंगा। आप लोग जाए, कारवान वाले मुंतजर हैं। हम पहले ही बिन्यामीन के लिए परेशान हैं, अब तुम्हारे मुतालिक बाबा को क्या जवाब देंगे? लावी में सामना करने की हिम्मत ना थी, वो मिस्र में ही रुक गया। लावी या तो अपने भाई बिन्यामीन के साथ लौटेगा या फिर तिर्स में ही अपनी जान दे देगा। लावी, लावी जाए, चले जाए, तमाम खानदान वाले आपके मुंतजर हैं। चल चल, ये तो बता दो अगर हम दोबारा मिस्र आए तो तुम्हें कहां ढूंढेंगे? बर्दा फरोशों के सराय में, वहीं पर एक दूसरे से मिलेंगे। अब जाएं। चलो चलो।
मुझे बाबा की बहुत फिक्र है। वो आपकी दूरी कोई तामुल नहीं कर पा रहे थे, अब दोनों की दूरी को किस तरह सह पाएंगे? बस हमें कुछ ऐसा करना होगा कि खुदावंद हम दोनों को उन्हें वापस लौटा दे। इस तरह से आपने तो मुझे भी उनसे ले लिया है। तुम घबराओ मत, बहुत जल्द खुदावंद हमें एक दूसरे से मिला देगा। लेकिन मुझे यकीन है कि बाबा हम दोनों की दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुम जानते हो बाबा अगर चाहें तो हम दोनों को ही दोबारा पा सकते हैं। वो कैसे? याद है कि कल तुम्हें रोकने से पहले मैंने अपने जद इब्राहिम का वाकया याद दिलाया था? हाँ, वही हमारे अबू इस्माइल की कुर्बानी का वाकया ना। अगर हमारे जद इब्राहिम अपने इस्माइल की कुर्बानी नहीं देते तो वो उन्हें पाते भी नहीं। उन्होंने अपने अंदर के इस्माइल की कुर्बानी दी तब कहीं उन्हें पाया, लेकिन बाबा ने अब तक अपने दोनों इस्माइलों की कुर्बानी नहीं दी है। यानी तो क्या इसी वजह से खुदा ने आपके और बाबा के माबेन ये जुदाई डाली है और ये जुदाई खत्म होने को नहीं आ रही है? बिल्कुल यही वजह है कि जब जब मैंने बाबा को अपने हालात से आगाह करना चाहा तो खुदावंद माने हो गया। बस तो फिर ये उम्मीद की जा सकती है कि ये हिजर फिराग अब खत्म होने को है। इसमें कोई शक नहीं, बाबा जब हम दोनों से दस्तबरदार हो जाएंगे तो हमें दोबारा पा लेंगे। फिक्र मत करो, हम बहुत जल्द ही बाबा से मुलाकात करेंगे। तुम बहुत अच्छी और मेहरबान हो असनात। नमूना इंसान कामिल और महर मोहब्बत का समंदर तो जनाबी यूसुफ है, और आप मुझे मेहरबान कह रही हैं। असल हमदर्द और मेहरबान तो वो हैं जिनकी गुलामी पर सारा जहां नाजा है, ना कि असनात। मैंने यूसुफ को परवान चढ़ाया है और उनकी दामी और रहम दिली से खूब वाकिफ हूँ। वो जितना मुझ पर ना मेहरबान थे, मेरे दस्ते निगर रफराज से उतनी ज्यादा मोहब्बत किया करते थे। आया अपने लिए यूसुफ की मोहब्बत का भी कुछ इल्म है आपको? मुझसे कुछ कहा तो नहीं उन्होंने, अलबत्ता उनकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत जरूर देखी है मैंने। तो उस मोहब्बत का जवाब कैसे देंगी आप? नहीं मालूम, अगर वो पहला सा जुनून और शोरीदा सरी होती तब तो कुछ कहा जा सकता था। अब जबकि किसी गैर खुदा की कोई गुंजाइश नहीं, कुछ नहीं कह सकती। यूसुफ पैगंबरे खुदा हैं और उनकी मेहर और मोहब्बत हवा और हवस पर मबनी नहीं है। वो कोई भी अमल अपने परवरदिगार के इज़्ज़त के बगैर अंजाम नहीं देते। यानी मुझसे उनका वो नरमी और मोहब्बत से पेश आना हुक्म खुदाबंदी के तहत है। आंखों की बिनाई और दोबारा जवानी मिल जाने से पहले ही उन्हें आपके साथ इस्तवाज करने का हुक्म मिल चुका था। ये मत भूलें कि पैगंबर खुदा के फरमान की इताअत करना हम सब पर वाजिब है। मैंने ना तो कोई हुक्म सुना है, ना मेहर मोहब्बत देखी है। अगर किसी रोज उन्होंने इजहार मोहब्बत किया तो मैं क्या करूं? नहीं मालूम बजुस इश्क माबूद मैं किसी और के इश्क को अपने दिल में जगह दे भी पाऊंगी या नहीं। बहरहाल रहमत खुदाबंदी की हवाएं इंसान के लिए हमेशा नहीं चला करती। ख्याल रहे कहीं आप इन हवाओं से महरूम ना रह जाएं।
आ गए कारवां वाले आ गए आ गए। ये रास्ता इतनी जल्दी ना तय होता। अब बाबा से क्या कहेंगे। सलाम चाचा जान। सलाम। सलाम चाचा। सलाम चाचा जान। खुश आमद। खुश आमद चाचा जान। सलाम। चाचा बिन्यामिन कहाँ है? नोमा, तुम्हारे बाबा बिन्यामिन इनके साथ नहीं आए? तुम्हारे बाबा भी तो नहीं है। चाचा यहूदा, मेरे बाबा लावी कहाँ है? परेशान मत हो, उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो दोनों खैरियत से हैं। चलो चलो। खामोश क्यों हो? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? लावी कहाँ है? कुछ बताते क्यों नहीं आप लोग? बिन्यामिन को क्या हुआ है बताओ, आखिर वो है कहाँ? अब कौन सी नई मुसीबत नासिल करती है मुझ पर? बिन्यामीन और लावी कहाँ हैं? क्यों हर मर्तबा तुम लोगों के सफर पर जाने के बाद हम साने के मुंतजिर रहे, आखिर क्यों? परेशान मत होइए बाबा, कोई अलमनाक सानिया नहीं हुआ है, यानी कुछ नहीं हुआ। बिन्यामीन और लावी दोनों जिंदा और सलामत और बाखैरियत हैं। बस एक नाखुशगवार वाकया पेश आया है, आपको भी हमारी तरह यकीन नहीं आएगा। अगर वो सलामत हैं, तो वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? इसलिए कि बिन्यामीन अजीज मिस्र का गुलाम हो गया, इसलिए कि आपके बेटे ने चोरी की थी और अजीज मिस्र ने चोरी की सजा में उसे अपना गुलाम बना लिया। जब इल्तिजा करके उसे ले जा रहे थे तो वो तुम्हारा भाई था, और चोरी की बात है तो मेरे बेटे ने चोरी की है। अफसोस, तुम लोग कितने घटिया और पलीद हो जो अपने ही भाई पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। लेकिन बाबा, हम सच कह रहे हैं, काफले के तमाम अफराद ही उसकी चोरी के शाहिद हैं। मसरूका माल बिन्यामीन के सामान में से निकला था। ये झूठ है, बिन्यामीन चोर नहीं है। ये घटिया इल्जाम बिन्यामीन पर लगाया जा रहा है। अगर हमने खुद अपनी आंखों से ना देखा होता तो कभी यकीन ना करते, लेकिन अफसोस तो ये है कि ये सच है। नहीं, नहीं। शायद आप लोग ना जानते हो, लेकिन उसके भाई जानते हैं
कि बिन्यामीन चोर नहीं है। बिन्यामीन को मैंने पाला है, वो कभी चोरी नहीं कर सकता। लावी का क्या हुआ? उसने क्या चुराया था जो उसे अपने साथ नहीं लाया? उसमें सामना करने की हिम्मत न थी। उसने कहा कि मैं बिन्यामीन के बगैर किनान वापस नहीं जाऊंगा। वो मजबूरन वहीं मिस्र में रुक गया। ये सब तुम्हारे ज़हन की इख्तिरा है, ये तमाम बातें तुम लोगों की अपनी खुद साख्ता है। तुम लोग जो कुछ भी बिन्यामीन के मुताबिक कह रहे हो वो सब झूठ है। हकीकत क्या है ये तो खुदा ही जानता है, लेकिन बज़ाहिर जो हमने देखा वो यही है कि अजीज मिस्र का मसरूका तलाई जाम बिन्यामीन के सामान से बरामद हुआ था। गंदुम लाने के लिए तुम लोग बिन्यामीन को अपने हमरा ले जाने पर कितने पसंद थे, कितने वादे किए थे। वादा वफा ऐसे किया जाता है। मैं तुम लोगों के शर से कैसे छुटकारा पाऊं? कैसे? वाह हजरत आप, हाय मेरे खुदा, मेरा बिन्यामीन, मेरा लावी, मेरे बच्चों, क्यों तुमने अपने बूढ़े बाप को तना छोड़ दिया? तुम्हारी जुदाई का दर्द मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? देखो तुम्हारी जुदाई से मेरे सीने में दर्द होने लगा और आंखें खून के अश्रुओं ने लगी है। मैं किस पर गिरिया करूं और किस पर ना करूं? मेरे बच्चों, इतना गिरिया करके तो आपको कमा डालेंगे। बस कीजिए बाबा, बिन्यामीन मेरा लाल। बस कीजिए बाबा, आपके यूं गिरिया करने से सिवाय आपके दुख दर्द में मजीद इजाफे की और कुछ नहीं होगा। आपको खुदा का वास्ता, पहले ही आपकी बिनाई कमजोर है, अभी तुम्हारे बिना बिना हो जाएंगे। बाबा, जब जब तुम मेरे ख्यालों के उफक पर नमदार होते हो तो मेरी तारीफ जिंदगी को और मेरे दिल के अफसरदा खाले को रोशन कर देते हो। तुम्हारी जुदाई का जागुदास गम क्या कम था जो अब उसमें बिन्यामीन और लावी की जुदाई के गम का भी इजाफा हो गया है। इन लोगों ने मेरे सीने में आग लगा दी है, मेरी जिंदगी की तीरगी में मजीद इजाफा कर दिया है। जाने पिदर, क्या तुम भी मेरी इतना दर्द फिराक में तड़प रहे हो? आया तुम भी रातों को तन्हाई में सर खाक पर रख कर उसे अपने आंसुओं से तर करते हो? बरसों से गमों ने इस घर में अपना डेरा जमाया हुआ है। लगता है ये गम अब खत्म होने वाले नहीं। हमें क्या मालूम था कि ऐसा हो जाएगा? तुमने तो कहा था कि अजीज मिस्र बड़े रहम दिल और दयालु हैं, तो फिर अब क्या हुआ? नहीं मालूम, सब कुछ ठीक चल रहा था। हम गंदुम लाद कर किनान के लिए निकल ही रहे थे कि बिन्यामीन की चोरी ने सारा मामला खराब कर दिया। बिन्यामीन चोर नहीं है, ये सब जानते हैं। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ, क्या हमारे चाचा सच कह रहे हैं कि हमारे बाबा ने चोरी की है? वो चोर नहीं है, नहीं मालूम उनके साथ इन लोगों ने क्या किया है जो अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए अब उन पर इस तरह तोहमत लगा रहे हैं। लेकिन सभी ने देखा था कि जाम बाबा के सामान से ही बरामद हुआ था। ये लोग गलत बयानी कर रहे हैं। इन लोगों को उनके सामान से सिर्फ एक तलाई जाम ही तो मिला है। क्या मालूम ये जाम खुद इन्होंने ही उनके सामान में रख दिया हो। अगर सबने अपनी आंखों से भी तुम्हारे बाप को चोरी करते देखा हो ना, तभी यकीन मत करना तुम्हारे बाबा चोर हो सकते हैं। इन लोगों की खैर नहीं। अगर मेरे बाबा पर किसी भी किस्म की कोई आंच आई तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बिन्यामीन चोर नहीं, गलत बात मत करो। सारे किनानी बिन्यामीन पर एतमाद करते हैं,
अगर वो चोर नहीं है तो फिर क्या है? मुझे बताओ, मेरे सामान से क्यों मसरू का माल बरामद नहीं हुआ? वो और उसका भाई दोनों ही चोर हैं। उन्होंने हमसे हमारा बाप चुराया है। हम सालों बाबा को पाने की आरजू में जलते रहे। उन्होंने फुप्पी फायका का कमर बंद चुराया। उन्होंने ही अजीज मिस्र का तलाई जाम चुराया। वो दोनों ही चोर हैं। बाबा, क्या आप वाकई हमारे चाचा बेनियामिन को चोर समझते हैं? मैं आपके लिए खाना लाई हूँ बाबा। मुझे भूख नहीं है, चली जाओ। जब तक दरवाजा नहीं खोलेंगे मैं नहीं जाऊंगी। अभी मुझे ख्वाहिश नहीं है मेरी जान, मुझे भूख नहीं है। इल्तिजा करती हूँ बाबा, दरवाजा खोलिए। मेरे खुदा, बाबा आपकी आंखें, ये क्या हो गया? आपने अपने साथ क्या कर लिया बाबा? आपकी आंखें सफेद हो गई हैं। आइए दादा जान, आइए यहाँ बैठ जाइए। आप क्यों अपने साथ ऐसा कर रहे हैं बाबा? खुदा ना खुद पर रहम कीजिए। क्यों खुद को इतनी अजियत दे रहे हैं बाबा? क्या हुआ दीना? क्या हो गया? ये चीखने की आवाज कहाँ से आई थी? यूसुफ, 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 मेरे बच्चे। क्या हुआ बाबा? ये आपने क्या कर डाला? कहा था आपके लिए रोना ठीक नहीं। सालों से रो रो कर खुद को भी अजियत दे रहे हैं और हमको भी। बस कीजिए बाबा, खुदा के लिए आप बस कीजिए। मुझे तुम लोगों की हमदर्दी की जरूरत नहीं, जाओ मुझे तना छोड़ दो। हम आपकी मदद करना चाहते हैं बाबा, हम तो आए हैं ताकि आप। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, बस चले जाओ, चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हारे आंसू पर यकीन है और ना ही तुम्हारी हमदर्दियों पर। बाबा सुने तो सही। बाबा हमारी बात सुनो। मैंने तुम लोगों से कहा था कि अगर बिन्यामीन को कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगा। जाओ जाओ जाओ। बाबा, बाबा इंतजार करती हूँ, इजाजत दीजिए बाबा। हाय अफसोस मेरा यूसुफ, हाय मेरा बिन्यामीन, मेरा यूसुफ, हाय हाय मेरा लावी, मेरे बच्चों। क्या हुआ, क्या हो गया है? बाबा की आंखें सफेद हो गई। सफेद? अब तो वो बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे। कल जब से हम लोग आए हैं वो मुसलसल रो रहे हैं, एक लम्हे को भी करार नहीं आया। कुछ तो करो, वो खुद को हलाक कर डालेंगे। मैंने आज तक उन्हें इतना रंजीदा नहीं देखा। कोई फायदा नहीं, आगे तो तुम्हारी। लेकिन क्या करें, कुछ तो करना होगा। मेरे यूसुफ, मेरे गुंगस्ता, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे? बस कीजिए बाबा, मत रोए इतना। आपके गिरिया ने पूरे किनान पर शोक तारी कर दिया है बाबा। एक बार तुम्हें और देख लेता। आखिर कब तक रोएंगे? लगता है ये दरवाजा खोलिए। बाबा
आखिर तुम उसे क्या चाहते हो? बाबा नबी ये खुदा आपकी आंखें यहूदा तुम लोगों ने मेरे यूसुफ को मुझसे छीन लिया, मेरे बिन्यामीन को मुझसे छीन लिया, अब मुझे रोने से भी रोक रहे हो। आखिर क्या चाहते हो कि मैं अपने चिकरखोशों के लिए रो भी नहीं? मैं इसीलिए कि नाम से तुम चला गया ताकि तुम लोगों से दूर हो जाऊं। गोशनशीनी इख्तियार की था कि तनाई में अपने यूसुफ के लिए अपनी जीवन की क्रिया कर सकूं। अब ये बिन्यामीन और लावी का एक और दाग मुझे दे दिया और फिर भी ये तवक्को रखते हो कि मैं गिरिया ना करूं, चाहते हो कि मैं अपने प्यारों के नारा फरियाद ना करूं, मेरे पीछे छोड़ दो। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? आखिर इतने पीछे छोड़ क्यों नहीं देते? सब कुछ तुमने छीन लिया। मैंने तुम लोगों की सूरत देखना चाहता हूँ और ना ही तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ। मैं अपने यूसुफ के साथ तना रहना चाहता हूँ। जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। वर्ड बजानी बहन, हमने वो खतार गुना किया है जिसकी सजा हमें सारी उम्र भुगतनी होगी। मेरे यूसुफ, मेरे नजर, तुम हमेशा अपने फरिश्तों के मासूम चेहरे, बच्चों किसी सूरत और उसी मासूमियत के साथ सामने आ जाते हो। तुम्हें देखने के लिए मैं इन जाहिरी आंखों का मोहताज नहीं, तुम हमेशा मेरे दिल में रहते हो, कभी भी भुलाए नहीं जा सकते। काश बरसों पहले हमने तौबा कर ली होती और तमाम हकीकत बता दी होती और इतने साल खुद को और बाबा को रंज न दिया होता। हमें जितना भी बुरा भला कहा जाए और जितनी भी तहकीर की जाए वो कम है। बड़ी मुश्किल से तो हम यूसुफ के वाकये को भुला पा रहे थे कि अजीज मिस्र ने बिन्यामीन को रोककर पुराने जख्मों को ताजा कर दिया है। मैं तो उनका निहायत सिपास गुजार हूँ, वो बाइस भरे ताकि हमें अपने गुनाह की संगीनी का एहसास हो। तुम लोगों को याद है जब हमने यूसुफ को कत्ल करने का इरादा किया था तो हमने सोचा था कि गुनाह करने के बाद हम तौबा कर लेंगे, लेकिन देखा तुम लोगों ने, खुदा ने हमसे तौबा करने की तौफीक ही सद कर ली। 40 साल होने को आए हैं लेकिन हम अभी तक तौबा नहीं कर पाए। 40 साल जानता हूं, गलती सरासर मेरी थी। मैं समझा था कि तौबा करना आसान काम है। दरूद बर याकूब नबी। फरिश्ते वही खुशामदीद देख रहे हैं आप, मैं अपने यूसुफ के फिराक में क्या क्या न सह रहा हूं। देख रहे हैं आप मेरी हालत क्या हो गई है। यूसुफ को किसने पैदा किया और परवान चढ़ाया है याकूब? तमाम जहानों के खालिक और परवरदिगार खुदावंद मुताल ने। बिजस यूसुफ तुम्हारी कितनी औलाद है? बेटी दीना को मिलाकर 12 औलादें। जिसके 12 जानशीन मौजूद हों वो सिर्फ एक फर्जंद के फिराक में यूं बेकरार हुआ करता है याकूब? उनमें से कोई भी यूसुफ की जगह नहीं ले सकता। यूसुफ बेमिसल है। बेमिसाल सिर्फ खुदावंदे यक्ता की जात है। और यूसुफ आईने खुदानुमा है। उसे देखता था तो गोया जलवाए जमाले खुदा और मजहरे तजल्ली खालिक को देखता था। मैं अपना आईना खुदा नुमा गुम कर बैठा हूं। तमाम कायनात जलवाए जमाल खुदाबंद और तजल्ली खुदा का मजहर है। अपने अतराफ पर जरा निगाह डालो। लेकिन तमाम मौजूदात हस्ती वली खुदा नहीं, यूसुफ वली खुदा था। मैं अपना वो आईने खुदा नुमा घूम कर बैठा हूं जो मुझ पर हक़ बलायत रखता था।
तुम्हें कैसे पता चला कि यूसुफ तुम पर हक के विलायत रखता है? क्योंकि उसने ख्वाब में मुझे अपने आगे सजदे की हालत में देखा था। खुदावंद बड़ा गयूर है, तुम्हारे पास सिर्फ एक दिल है या और एक दिल में कभी दो मोहब्बतें नहीं समा सकती। वाए परवरदिगार, अगर यूसुफ के लिए मेरी बेताबी और बेकरारी हद से ज्यादा बढ़ गई हो तो मैं तुझसे माफी मांगता हूं, तौबा करता हूं। मैं यूसुफ को जानशीन खुदावंद समझता था, ना कि उसका शरीक। याकूब, जानते हो खुदा ने तुम्हारे जद्दे इब्राहिम को इस्माइल कब लौटाया था? उस वक्त जब खुदावंद ने एक भेड़ इस्माइल की जगह कुर्बानी के लिए भेजा। नहीं, उस वक्त जब इब्राहिम अपने इस्माइल को खुदा की राह में कुर्बान कर देने पर आमादा हो गए थे, तब खुदावंद ने इस्माइल उन्हें लौटा दिया। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मैंने अभी अपने दोनों इस्माइलों को कुर्बान नहीं किया है। शायद इसी वजह से अब तक मुझे अपने यूसुफ का दीदार नसीब नहीं हुआ है। वाए, मैं शर्मिंदा हूं, बहुत शर्मिंदा हूं। लेकिन खुदावंद यक्ता की कसम खाता हूं कि मैं अभी इसी वक्त से दोनों से दस बरदार होता हूं, और इन सब की जगह मेरे लिए सिर्फ खुदावंद यक्ता ही काफी होगा। हर सख्ती के बाद राहत है, शायद ये दर्द और गम की इंतहा और राहत और सुकून का आगाज हो, और शायद इख्तितामे हिजर और फिराक और आगाज विसल नजदीक हो। मुझे ये मालूम कैसे हो कि ऐसा ही होगा? जरा गौर करो, तमाम हालात और वाकयात की कड़ियां मिलाने की कोशिश करो, यकीनन अपनी मुराद पा लोगे। फरिश्ते वही कहां है आप? आज के बाद से मैं अपने तमाम तरकीले शिकवे और शिकायत सिर्फ तुझसे ही करूंगा और तेरी ही बारगाह में पेश करूंगा। मेरे लिए तू यूसुफ है, तेरे बगैर यूसुफ कुछ भी नहीं, तेरे बगैर यूसुफ कुछ नहीं। मेरे माबूद, मेरे माबूद, मैं सिर्फ तेरी इबादत करता हूं और सिर्फ तुझसे ही मदद तलब करता हूं। यूसुफ तेरे जमाल का आईना था, मैं आईना देखा करता था ताकि तुझे देख सकूं, वरना खुदा आईना तो काबिल दीद नहीं हुआ करता। मैं अगर यूसुफ को अजीज रखता हूं तो महज इसलिए ताकि इश्क का तजुर्बा कर सकूं, वरना मेरा माशूक तो तू है। मैं यूसुफ की मोहब्बत से मफहूम में इश्क का इतराक करते हुए यूसुफ से गुजर के तुझ तक, तू जो माबूद हकीकी है, पहुंचता हूं। परवरदिगार, परवरदिगार, यूसुफ तो तुझ तक पहुंचने का एक रास्ता।
हाँ।